नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और एक की 136 गज की कोठी है, नॉर्थ फेसिंग है और गली में आपको दिखाएं कि सारी कोठियां बनी हुई हैं और सेक्टर 125 है और ये मेगा प्रोजेक्ट है, 125 एकड़ का। तो इसमें आप अंदर आएंगे तो यहाँ एक गाड़ी की पार्किंग बड़ी वाले की आराम से हो जाएगी और टू व्हीलर भी यहाँ पे रुक जाएंगे। तो सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज दे दी गई है और गेट बाहर को भी खुलता है, अंदर को भी खुलता है। तो इस तरफ ये वाली जो स्पेस है ये टू व्हीलर्स के लिए, यहाँ 3 या 4 टू व्हीलर्स आराम से खड़े कर सकते हैं। तो ये बाहर किचन गार्डन जो कहते हैं, तो छोटा सा, तो यहाँ कड़ी पत्ता भी लगा रखा है और भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, फूल भी लगा रखे हैं, मनी प्लांट भी लगा रखा है। और ये बड़ी सी यहाँ पे विंडो, अंदर रोशनी और हवा, यहाँ जाली का दरवाज़ा लगा है तो यहाँ से हवा जाएगी। और टाइल वर्क कर रखा है और LED लाइट्स लगा दी गई हैं ताकि रात के समय में ये और सुंदर लगे। और पूरा टाइल वर्क लगाया और नीचे देखें आप, ग्रेनाइट लगा हुआ है ब्लैक कलर का। तो जो बिल्डर बनाते हैं कोठियाँ उसमें ऐसा काम नहीं किया जाता, इन्होंने अपने रहने के लिए इसको बनाया था। तो अभी ये शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से पंचकूला, क्योंकि इनका बिजनेस वहाँ है तो आने जाने में दिक्कत थी, तो इसीलिए ये इसको भी सील कर रहे हैं। तो इन्होंने रहने के लिए बनाई थी, तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत बारीकी से हर चीज़ को किया गया है क्योंकि खुद रहना था। तो आइए अंदर भी चल के दिखाते हैं, लेकिन बाहर से पहले दरवाज़ा और ऊपर ये डाउन सीलिंग और यहाँ पे फैन और ये सब कुछ। और दरवाजे का साइज़ भी आप देखें, काफ़ी बड़ा है। तो ये सब कुछ, टाइल लगी हुई है, चौगाट काफी चौड़ी है, ये सब कुछ अपने रहने के लिए बनाया था। तो ये ड्राइंग एरिया है, बाहर से यहाँ विंडो से रोशनी भी आएगी। और ये बहुत बड़ा सोफा यहाँ लगाकर इसको सेटअप किया गया है, पेंटिंग ऊपर, डाउन सीलिंग और लिविंग एरिया के अंदर 2 फैन चल रहे हैं जिससे इसकी विड्थ पता लगेगी कि काफी खुला एरिया है। तो 136 गज है ये, ग्रेनाइट बना दी गई है, LED लगा दी, पीछे ग्रास लगा दिया, ये स्टोरेज के लिए यहाँ पे अलमीरा बना दी, नीचे स्टोरेज हो गया। और इसकी जो प्रोफाइल्स हैं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई हैं। और अब सामने इसके किचन है, किचन अगर हम इस तरीके से इसको देखेंगे तो यहाँ पार्टीशन कर रखी है और दोनों तरफ पार्टीशन है और बीच में किचन, क्योंकि अभी फैमिली रह रही है तो ये हॉब, चिमनी, RO, गीजर सब कुछ यहाँ पे लगा रखा है और ये वर्किंग कंडीशन में, ऊपर डाउन सीलिंग भी हो रखी है। तो 2 कमरे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट रूम ये वाला चलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर भी LED पैनल लगा रखा है और यहाँ अटैच वॉशरूम है। अभी यहाँ काम हो रहा था ऑफिस का, ऊपर स्प्लिट AC की प्रोविज़न दे रखी है, तो अभी शिफ्टिंग हुई है थोड़ी देर ही पहले। और पीछे यहाँ पे वॉशिंग एरिया बना हुआ है। और इस तरफ इसके जो हैं ये स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं, क्योंकि अभी रह रहे हैं तो हम इसे खोलेंगे नहीं। और यहाँ पे ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी स्टोरेज यहाँ पे बुक्स रख के बना दी गई है। तो यहाँ पे भी बहुत स्पेस है बेड के बाद। और यहाँ ग्रास लगा दिया गया है आर्टिफिशियल, तो और सुंदर इसको बनाया गया है इस तरीके से। तो अब दूसरे रूम में चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे हैं। तो दूसरा रूम इस तरफ है, तो दूसरा रूम, इसमें भी अटैच वॉशरूम है, इसमें भी बेड लगा हुआ है, साथ में स्पेस है। और ये कॉर्नर पे स्टडी टेबल बना दिया गया है और यहाँ पे दरवाज़ा भी है पीछे जाने के लिए, और पीछे वॉशिंग एरिया है। तो यहाँ वॉशरूम पे भी एक नज़र आपको दिलवा देते हैं। तो यहाँ AC भी लगा है, डाउन सीलिंग भी है, सब कुछ है। और इस तरफ LED पैनल भी लगा हुआ है और LED भी लगी हुई है। और नीचे यहाँ पे स्टोरेज भी दे दी गई है। तो ये जो बेडरूम है यहाँ पे, इस तरफ स्लाइडिंग कबर्ड है और ये क्योंकि अभी फैमिली रह रही है तो पूरा पैक्ड है घर। तो आइए बाहर चल के आपको दिखाते हैं कि अब ये सेम सेटअप जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे भी है, फर्स्ट फ्लोर रेंट पे दे रखा है। तो सेम 2 BHK ग्राउंड पे है, सेम 2 BHK फर्स्ट फ्लोर पे है। तो डबल स्टोरी ये बना हुआ घर है और 136 गज का ये प्लॉट
प्लॉट है और नॉर्थ फेसिंग है और रहने के लिए परफेक्ट लोकेशन है, गली बनी हुई है, सेम कोठियां स्टैंडर्ड की यहाँ बनी हुई हैं और यहाँ से 10 मिनट की दूरी के ऊपर ही चंडीगढ़ है और 7-8 मिनट की दूरी के ऊपर ही VR पंजाब मॉल है और बहुत सारे फूड जॉइंट आपको 10 मिनट की दूरी पर मिल जाएंगे। स्कूल कॉलेज की सारी बसें जो हैं यहाँ से आके बच्चों को पिक करती हैं चंडीगढ़ की। और ये जो कोठी है डबल स्टोरी है और इसकी जो डिमांड प्राइस है वो 1,40,00,000 रुपया ये कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में अब जो प्लॉट का रेट है, इस तरीके का जो प्लॉट है वो कम से कम 50,000 रुपये गज का प्लॉट है। 136 गज का ये प्लॉट है और डबल स्टोरी बना हुआ है और ये सारी कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद पैसे का ब्याज लगाएंगे और टाइम लगाएंगे तो 1,40,00,000 इन्होंने उस तरीके से अपना काउंट किया गया है प्राइस। तो अब बात आती है कि अगर आपको पसंद आती है तो ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन थोड़ी बहुत तो होती ही है, वो यहाँ हो भी जाएगी। और क्योंकि ये अभी यहाँ से शिफ्ट पंचकूला कर रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस सारा उधर है और ये पूरा शहर क्रॉस करके रोज़ सुबह आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, तो अभी ये वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो बिजनेस छोड़ नहीं सकते तो घर ही वहाँ यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इसको सेल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया था तो जब कोई बंदा बाहर से यहाँ आता है तो बड़े सपने लेकर आता है और बड़े शौक से इस घर को बनाया था तो बेचने का दिल तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी तो अगर हम आज इसको बाय करेंगे तो 1,25,00,000 रुपया हम अपने हिसाब से इसको और डेकोरेशन में लगा सकते हैं, लेकिन और इसके ऊपर पैसा नहीं लगेगा क्योंकि सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। तो 1,40,00,000 की यहाँ पे आसपास डिमांड सब जगह हो रही है, सारी ही जितनी भी नई कोठियाँ बन रही हैं सब 1,40,00,000 मांग रहे हैं, तो ये भी 1,40,00,000 ही मांग रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। मार्केट के हिसाब से ये अपना प्राइस इन्होंने डिसाइड किया है। और अगर हमें ये कोठी पसंद आती है, जब आप आओगे इस नंबर स्क्रीन पे चल रहा है कॉल करोगे, बाहर मेन रोड पे हमारा ऑफिस है, वहाँ से स्टाफ आएगा आपको ये दिखा देगा और इसके सिमिलर भी बहुत सारी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें नेगोशिएशन भी हो जाएगी और जब आप आओगे तो आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। और तो एक शेर भी याद आ गया कि जिंदगी जिसे लोग मरहमे गम जानते हैं, जिंदगी जिसे लोग मरहमे गम जानते हैं, जैसे हमने गुजारी है ये हम जानते हैं। तो हर बंदे की ज़िंदगी खुशगवार नहीं होती, हर बंदे की ज़िंदगी दासी से भरी नहीं होती, तो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो शायर भी ऐसा ही कह रहा है, लेकिन हम पे तो भगवान की कृपा है, दुख तकलीफ़ें अपने आप आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड अगर पॉजिटिव है तो आपको दुख भी दुख नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।